आपने बाइक उठाई, 5 मिनट चलाई, ये तो इससे बेटर है, वो इससे बेटर है, कैसे यार कैसे है? आप 5-10 मिनट की राइड में कैसे बाइक को जज कर रहे हो? आओ तुम्हें खेत दिखाऊं। नहीं देखने मेरे को खेत, ये लौंडे मुझे खेत दिखा रहे हैं। सही है, और मंगाऊं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम रामपुर। और रामपुर बड़ा ही प्यारा शहर है हिमाचल का। जब आप स्पीति जाते हैं तो रामपुर आता है नारकंडा के बाद, और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। हम रुकते हैं हमेशा, ये एक हिमाचल टूरिज्म का होटल है, होटल बुशेयर। सारी डिटेल्स वगैरह मैं डाल दूंगा। बहुत ही मिनिमल इनकी जो टैरिफ होता है वो रहता है। 2021 में इन्होंने मुझे चार्ज करा था सिर्फ 680 रुपये, और कल हम दो लोगों का लगा खाली 980 रुपये। कोल स्टार्ट हो गया, दोनों घोड़े कोल स्टार्ट है। मैंने तो भाई सुबह उठ के कर लिया था, क्या? मैं सुबह उठ के कर लिया था इसे। भाई साहब 411 का भी जवाब नहीं है, नेक टू नेक आए दोनों के दोनों। यार वो तो कह रहे है ही ओरिजिनल हिमालयन, उसका तो मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई। मगर एक बात बताऊं आपको, ये जो रॉयल इनफील्ड का सेटअप है ना, पूरा पैनियर और टॉप बॉक्स का, भाई क्या सॉलिड है, रिजिड है। इतना हमने ऑफ रोड और कितना किसी भी चीज़ में चले हैं, बिल्कुल भी एक बार को ऐसा नहीं है कि हिल जाए, कुछ हो जाए। और कॉम्पैक और है ये सेटअप पूरा, बिल्कुल कॉम्पैक है, बिल्कुल मतलब हैंडल बार के उसमें रहता है प्रोपोर्शन में। चलो भाई इट्स टाइम टू मूव। ये है होटल, मैं आपको बता दूंगा, ये जो सीधी रोड जाती है, ये सीधी रोड आपके किन्नौर गेट की तरफ जा रही है। इस रोड पे आपको मिल जाएगा होटल बुशेहर एजेंसी। बहुत ही मिनिमल, ये हिमाचल टूरिज्म का है इसलिए इसका जो रेट है वो बहुत कम है। चलो भाई अपना बगीरा रेडी है, और उधर चेतक रेडी है, इसका नाम भी मैंने चेतक रख दिया भाई। चलो भाई ऊपर वाले का नाम लेके आज का सफ़र करते हैं शुरू। बाय बाय। बच्चे ऊपर से देख रहे हैं, बच्चों का बड़ा शौक रखता है बाइक का। और एक चीज़ और आपको होटल के बारे में बता दूं, यहाँ पे मतलब थोड़ी ना एक्स्ट्रा केयर रखी जाती है अगर आप राइडर हैं तो। और लिखा हुआ भी है यहाँ पे देखो, होटल बुशेहर एजेंसी रामपुर वेलकम्स यू स्पेशल अरेंजमेंट फॉर मोटर बाइकर्स। चलो भाई, मुझे ये शहर बहुत बढ़िया लगता है भाई, रामपुर मज़ेदार। यहाँ का वेदर एकदम प्लेजेंट है, ना गर्मी ना सर्दी, और बढ़िया एकदम मतलब पॉल्यूशन फ्री जगह है, मज़ेदार। भाई कितने दिन बाद आज क्लियर स्काई देखने को मिला, हालांकि इतना क्लियर नहीं है फिर भी इतना भी देखने को मिला है। ओ कल का सफ़र तो भाई जो रहा है ना, ज़िंदगी भर याद रहेगा भाई, वो बहुत ही मतलब ऑसम था। हम निकले थे ना जब ताबो से, हमको पता तो था देखो हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, ऐसी जगह क्रॉस करने जा रहे हैं, जो कि हमें वहाँ से ना सब ने मना कर दिया था, जो एक्सपीडिशन वाले थे उन्होंने भी, जो नाको से ट्रैवलर आ रहे थे उन्होंने भी, कि हम कल नाको से आए हैं भैया मत जाना, क्योंकि वो रास्ता ही इतना ख़तरनाक है यार। वो जो एरिया है ना, वो इस टाइम पर सिर्फ 4x4 व्हीकल्स के लिए है, और बाकी अगर जो 4x2 भी चलते हैं वहाँ पे तो वो भी मतलब जो ट्रैवलर वगैरह हैं वो आराम आराम से, मतलब गाड़ी है तो यार इतना फिर भी डर नहीं रहता, बाइक के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मगर भाई वी डिड इट। ओ हो भाई, इससे सही मौसम नहीं हो सकता राइडिंग के लिए। क्यों यशवंत, प्यारी सी धूप निकल रही, हल्की हल्की हवा, और भाई साहब आपके पास अपनी बाइक, मज़ेदार एकदम। मगर भाई एक बात है, कल सूरज देवता ने हमारा साथ बहुत दिया है। वो जो रास्ता था जहाँ हम निकल रहे थे ना, वो अगर सनशाइन नहीं होती वहाँ पे तो दिक्कत होती। और एक मैं लाख लाख शुक्र करूँगा उस बोलेरो कैंपर वाले का, भाई वो जो कैंपर वाला निकला है ना वहाँ से, वो पूरा रास्ता बना के गया है, वरना उसमें हमारे लिए बाइक निकालनी मुश्किल हो जाती, उसने पूरे टायर के निशान बना दिए हमारे लिए। और यार मेरे को तो भाई सच बता रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं करूँगा बाइक के बारे में, ये बाइक इतनी प्यारी चलती है ना, मतलब आप कुछ भी करो, ये तो मतलब मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, हाईवे ऑफ रोड सब चीज़, मतलब इंडियन मार्केट में इस प्राइस बजट में आई डोंट थिंक इसको कोई बीट कर सकता है। नकली रिव्यू कितने ही लोग बना लें 5 मिनट की 10 मिनट की, भाई जब तक आप बाइक को चलाओगे नहीं अच्छी तरीके से, मुझे तो नहीं लगता कि आप हकदार हो बाइक का रिव्यू करने के लिए।
आपने बाइक उठाई, 5 मिनट चलाई, ये तो इससे बेटर है, वो इससे बेटर है, कैसे यार कैसे है? आप 5-10 मिनट की राइड में कैसे बाइक को जज कर रहे हो? आप तो ढंग से चला ही नहीं रहे हो, 5-10 मिनट में क्या चला पाओगे बाइक को? तभी मैं कहता हूँ कि जो ओनर्स होते हैं ना, उनके रिव्यू देखो। और आजकल तो यार ओनर भी ऐसे ही होने लगे हैं, सच बताऊँ मैं, बुरा मत मानना इस बात का। 3-3 महीने के लिए लोग बाइक खरीदते हैं, उसके बाद जब बेचने का टाइम आता है तो उस बाइक की बुराई कर दी और बेच दिया। यार आप चलाओ बाइक को, आप लोग पूरा हमारी सीरीज़ आपने देखी, आपको कहीं पे लगा कि मैं बाइक से परेशान हूँ? और स्पेशली कल देखो, ब्लैक आइस में चला के आए स्टॉक टायर के साथ। लोग इतना बोल रहे थे स्टॉक टायर ये हैं वो हैं, भाई साहब इतनी सही ग्रिप है ना स्टॉक टायर्स की, लाइव दिखाया मैंने आपको। एक बार बस मेरा टायर स्किड हुआ था, वो भी वहाँ पे बिल्कुल जो ग्लास वाली आइस थी ना, कांच होता है, कांच बन जाती है जो, वो थी, और उस पर तो होना ही बनता ही है, बाकी कहीं पे नहीं कुछ हुआ। और ऑन रोड परफॉर्मेंस तो बहुत ही सही है यार, आप 90, 100, 110 तक आराम से क्रूज़ करो, हाईवे पे कोई टेंशन ही नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है भाई। सब पहले बता दूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही आ रहा है, और मैं इस क्वेश्चन से टू बी वेरी ऑनेस्ट परेशान हो चुका हूँ। मत पूछा करो भाई वाइब्रेशन है नहीं है, उसको वाइब्रेशन नहीं बोलते, उसको बज बोलते हैं, वो हर बाइक में होता है। मेरे पास स्ट्रीट 666-75 थी ट्रायम्फ की, 3 साल पहले 100 के ऊपर जाने के बाद उसके भी फुटपैग्स में बज होता था। बज आएगा यार, चेसी पे इंजन रखा है तो बज तो आएगा। अगर आपको इतना भी बज नहीं चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाइए फिर। और एक और बात, एक कहानी अभी चल रही थी थोड़े दिन पहले, यशवंत मेरे हाथ सुनो गए, मेरे शोल्डर सुनो गए, भाई हमारा तो कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ ये क्या बात हुई यार, अभी थोड़े दिन पहले तो आपको प्यार हो गया था बाइक से, 3 महीने पहले आप शादी करने वाले थे बाइक से, अब आपने एकदम बाइक को डाइवोर्स दे दिया। ऐसा नहीं होता यार, कोई हाथ पैर नम नहीं होते, सुन नहीं होते, हर टेरेन में चला के आए यार। आप ऑफ रोड लो, आप स्नो लो, आप ब्लैक आइस लो, आप हाईवे लो, एकदम कंफर्टेबल यार। यार राइडर होते हैं ना वो ऐसी नोकाचीनी और ऐसी छोटी छोटी क्रिबिंग नहीं करते जिन्हें चलानी होती है। क्या यार बाइकर हो राइडर हो, क्या है हाथ ये हो गए वो हो गए, भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानना, अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है ना तो आपकी बॉडी की जो मोबिलिटी है वो कम हो रही है, स्टेमिना, ये सारी चीज़ें, तो आप इस चीज़ पे काम करिए। अगर आप जल्दी थक रहे हैं सो गो एंड वर्कआउट, कीप योर बॉडी फिट, ताकि आपको ये थकान वगैरह ना हो। उसमें बाइक की गलती नहीं है, उसमें आपकी बॉडी की लिमिटेशन हो चुकी है, तो आप उसको इम्प्रूव करिए रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट द बाइक। तो अभी भाई नारकंडा पहुंचने वाले हम, 2-3 किलोमीटर रह गए, और नारकंडा में और कुफरी में जैसे मैंने बताया ना, हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी पड़ी हुई बर्फ, मगर जब हम आ रहे थे रोड पे थी ब्लैक आइस, वो सारी पिघल गई। ये भाई जो ये साइड वाली है ना, इसको तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ ना धूप प्रॉपर तरीके से आती नहीं है। ये तो आप अगर 1 महीने बाद आओगे ना तो भी काले काले से डले मिलेंगे बर्फ के आपको साइड में, मगर यह है कि चलो रोड क्लियर हो गई। तभी ये होता है कि कुफरी और नारकंडा बिल्कुल आराम से देख के निकलना पड़ता है। भाई वो घर दिख रहा है आपको ऊपर, 3 इडियट्स मूवी में जो घर दिखाया था ना, कौन सा था वो, रणछोड़ दास, शामक दास चांचड़, वो वाला घर है ऊपर, वो देखो रास्ता यहाँ से जाता होगा। हाँ अभी ये होटल बन चुका है, 5-स्टार प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुका है अब। असब इधर धूप लगी है थोड़ी सी, मज़ा आया है धूप में, हम वही हमारा हाल जादू वाला हो रहा है। अब धूप आती है ना तो थोड़ी सी मतलब थोड़ा क्या बहुत अच्छा लगता है धूप आ रही है तो इधर, क्योंकि यहाँ पे धूप तो है मगर हाथ ना एकदम ठिठुर रहे हैं बिल्कुल। और अभी जो कुफरी आने वाला है वहाँ पर तो और लगेगी। कुफरी के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा शिमला क्रॉस करेंगे उसके बाद वेदर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। शिमला का ट्रैफिक हम लोग क्रॉस करके निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं था, और अभी हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स अम्बाला। लंच करेंगे हम लोग कहाँ पे भाई, अम्बाला पूरन सिंह के यहाँ, और उससे पहले अभी रुकेंगे बस एक चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह ज़्यादा हम खा के नहीं आए, बस एक ब्रेड ऑमलेट खाया था, वो तो कब का हमारा हज़म हो भी गया, खाने में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए भाई। ये ट्रेन आ रही है पहाड़ों में से, कालका शिमला डिलक्स फर्स्ट क्लास, भाई मज़ा आता होगा इसमें एकदम बैठने में, मगर डर भी लगता होगा थोड़ा थोड़ा। अभी हम जब चल रहे थे ना तो ऊपर से जा रही थी, मन कर रहा है भाई घर जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। कितना भी घुमक्कड़ बन लो मगर 3-4 दिन बाद
ये रहता ही है कि हाँ भाई घर जाना है। चलो भाई पहाड़ों की लाइफ से प्लेन्स की लाइफ में अपनी वापसी। अभी हम पहुंचने वाले हैं पिंजौर, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। तो यहाँ 2 मिनट रुके हैं, अभी विंटर ग्लव्स अंदर और अपने जो नॉर्मल वाले ग्लव्स हैं वो बाहर। ऊपर ही रखें ग्लव्स और रेन लाइनर वगैरह, सबसे ऊपर रखो हमेशा, बढ़िया रहता है। ठीक है भाई, कैसा लगा 5 दिन पहाड़ों में बिता के? कल से फिर वही पहाड़ों में, वहाँ अच्छा लगता है। जब यहाँ होते हैं ना तब मन करता है कि पहाड़ों में चले जाएं, जब पहाड़ों में होते हैं तो मन करता है कि वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाओ। तो यही है भाई ज़िंदगी, और क्या, जो जिसके पास नहीं है उसी की चाहत है सबसे ज़्यादा। हाँ, अरे भाई साहब क्या मज़ा आया नॉर्मल ग्लव्स पहन के यार, मतलब ऐसा लगा जैसे कौन है ये, KTM का शेयर कितना गिरा दिया इन्होंने, है नहीं? सच में KTM का शेयर बहुत डाउन है भाई। फिर से डाइवर्जन, हम आ गए हैं खेतों बीच। एक तो यार ट्रिप के बाद घर जाने की पहले ही जल्दी रहती है, ऊपर से ये डाइवर्जन, ऊपर से भूख लग रही है मेरे को इतनी तेज कि पूछो मत। पूरन सिंह का मशहूर विशाल ढाबा, तो ये है जी ओरिजिनल वाला, पीछे 4-5 और है नकली, आपको पता चल जाएगा। सबसे जो कोने वाला है ना, सबसे लास्ट वाला यही है। खाना आ चुका है भाई, सही है, प्योर मंगाऊ चलो भाई खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं आगे, क्योंकि खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, क्यों है नहीं? खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं, लास्ट स्ट्रेच है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का और खाना हमने खा लिया ज़्यादा, मगर नींद नहीं आ रही है। उतना खाओ जितना लिमिट में आप सहन कर सको, वैसे ट्रिप में एडवाइजेबल रहता है कि हल्का ही खाओ, मगर हम इस बात पे विश्वास नहीं रखते है नहीं भाई? हाँ देखो जो कंफर्टेबल लगे ना वो करो, ठीक है कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल चलता है। अब हाँ अभी तो एक एक रोटी और खाने की क्षमता थी हमें, वो तो छोड़ दी। अब पहुँचेंगे मेरे ख्याल से 5:20 हो रहे हैं, मेरे को घर पहुँचते पहुँचते मतलब हम दोनों ग्रेटर नोएडा ही जाएंगे, हमें 9:30 के आसपास तो बच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली तो हम जल्दी एंटर कर जाएंगे। उसके बाद भैया आज है वेडनेसडे वीकडे, और जो जाम लगा होगा, और अभी आगे कोई और डाइवर्जन मिल जाता है उसका हम कुछ कह नहीं सकते। जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। रास्ता क्या, इसे पूछो बाइक वाले से, रास्ता है सही है? ठीक है थैंक यू भैया, गाड़ी निकल जाएगी मतलब बाइक निकल जाएगी, ये तो अलग सी वाइब आ गई यहाँ पे, हाईवे से हट के थोड़ा सा एडवेंचर हो गया। हाईवे हाईवे यार बोरिंग सा हो जाता है, एक आधा बीच में मैं तो कहता हूँ डाइवर्जन मिलना चाहिए, मगर जाम ना मिले, ऐसा खाली डाइवर्जन मिले एकदम। कुत्ते भी जा रही है हिमालय यहाँ पे, आओ तुम्हें खेत दिखाऊं। नहीं देखने मेरे को खेत, ये लौंडे मुझे खेत दिखा रहे हैं, ये तो वैसा ही होगा जैसे ऑफ रोड ट्रेल बना के रखते हैं गाड़ी और बाइक्स के लिए। चलो जी लूज सैंड है, मगर भाई साहब लूज सैंड में ये टायर बढ़िया एकदम है, एकदम ग्रिप नहीं छोड़ रहे हैं कहीं पे भी। अभी हम लोग पहुंचे हैं मूर्थल के आसपास, और भाई साहब ये जो हाईवे है ना ये वाला करनाल वाला, इस पे लोग जो 4-व्हीलर चला रहे हैं वो ऐसे चला रहे हैं, मतलब रोड इन्हीं की है, बाइक वाले तो कुछ है ही नहीं। ऐप पास पास से एकदम सटा सटा के इनोवा और सेल्टॉस वाले ऐसे निकाल रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा भाई, मतलब ये है कि अपने आप बचो। अभी हम पहुँचे हैं मूर्थल के आसपास, यहाँ से घर रह गया लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, और आराम से चलेंगे। बाकी भाई नाइट में अगर राइड कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा सतर्क होकर राइड करनी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है यहाँ पे, साफ सीधी बात है। कोई गाड़ी वाला बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचता कि हाँ वो आपको बचाएगा, खुद बचना है। साइड व्यू मिरर है उस पर देखते चल रहे हैं आराम से, कोई गाड़ी कितनी पास है, क्या चीज़ है, जो लेफ्ट वाला है राइट वाला है, एकदम मतलब पूरी निगाहें एकदम रिफ्लेक्सेस एकदम 100% करके चलने पड़ते हैं रात को। वैसे नाइट राइड तो अवॉइड ही करो जितना सही रहता है, और ख़ास तौर से ये वाले जो हाईवेज है ना वो तो बहुत डेंजरस है भाई, अंबाला वाला तो भाई इस पर तो राइड करो ही मत भाई, गाड़ी वाले बहुत अनसर्ट उड़ाते हैं भाई इस पर। अभी देखा वो इनोवा वाला कैसे तंग कर रहा है भाई, डिपर मारे जा रहा है, डिपर मार रहा है, पास से निकल रहा है,
ईगो पे ले लेते हैं, तो उनको कोई डिपर मार देता ईगो पे ले लेते हैं। डिपर मारा उसने, मैंने पीछे से एक बार डिपर मारा भाई, वो शीशा खोल रहा है, मैं क्या हो गया भाई, तू भी तो मार रहा है इतनी देर से, एक डिपर नहीं सहन होता। चलते हैं इसको फिनिश करते हैं और घर पहुंचते हैं। पेरिफेरल पे अगर बाइक्स अलाउड होती ना, हम लोग यहाँ से निकल जाते और पीछे से 70 किलोमीटर में अपने घर। नुकसान तो है यार, देखो क्या ही कर सकते हैं। बाइक अपनी चल चुकी है 4,500 किलोमीटर और भाई इसका जो इंजन है ना, वो इतना सही रिस्पांस दे रहा है, आप पूछो मत। मतलब पूरे तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना, पूरा जो रवा हो चुका है इंजन अच्छे तरीके से, और रिस्पांस अब बहुत अच्छा आ रहा है। और ये अभी जो इसकी सेकंड सर्विस होगी शायद, उसके बाद तो मज़ा आएगा। और मैं इसमें जो है मेरे ख्याल से एयर फिल्टर भी चेंज करूँगा, और एक दो परफॉर्मेंस मॉड्स और भी हैं जो दिमाग में हैं, देखते हैं जैसे जैसे होते रहेंगे आप लोगों को बताता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और आई होप ये सारे वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग मिलते हैं आपसे जल्दी से किसी नए वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।